बिहार में एक बार फिर से वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की सूचना है। वंदे भारत को पदरियों ने निशाना बनाया है। सासाराम में वंदे भारत पर शरारती तत्वों ने पथराव किया। इसमें ट्रेन की एक बोगी क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया रेलखंड पर करबंदिया स्टेशन के पास असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब पुलिस के अनुसार वाराणसी से रांची जा रही वंदे भारत ट्रेन जैसे ही करबंदिया स्टेशन के समीप से गुजरी, असामाजिक तत्वों ने ट्रेन के बोगी पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसको लेकर रेल पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। आरपीएफ इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि असामाजिक तत्वों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में वंदे भारत पर पथराव की ये पहली घटना नहीं है। साल के शुरुआती जनवरी महीने में ही 3 हफ्तों में वंदे भारत पर 4 बार पत्थरबाजी की गई थी। इसके बाद रेल प्रशासन ने कई कदम उठाए थे और ऐसी घटनाओं पर लगाम लगा था, लेकिन एक बार फिर पथराव की घटना सामने आई है और लगातार हो रही पत्थरबाजी से ट्रेन की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि वंदे भारत ट्रेन का निर्माण भारत में होता है और देश में कई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें दौड़ रही हैं। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।